सुल्ला ने फरमाया तुम कंवारी औरतों से शादी किया करो, क्योंकि वो शीरीं जुबान, बहुत बच्चे जनने वाली, मामूली माल पर राजी हो जाने वाली होती हैं। यहां तीन बातें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंवारी के हक में कही हैं, एक तो ये है कि उनकी गुफ्तगू अच्छी होती है, अभी जमाने के सर्दो गर्म का मजा चखा नहीं होता, इस वजह से उनकी जुबान में तलखी नहीं आती, यानी कम सिनी में तलखी कम होती है। दूसरी बात ये कही कि वो ज्यादा बच्चे जनने वाली होती, मुराद ये कि उनकी उम्र का तकाजा होता है, और मामूली माल पर राजी होने वाली होती हैं, जो पहले से शादीशुदा रही हो उसको बहुत कुछ पता चल चुका होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा मुतालिबात करती हैं। तो इस लिहाज से सईदा आयशा बाज़ुकत अपने ऊपर फख्र भी किया करती थी। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती, मैंने अर्ज किया अल्लाह के रसूल, अगर आप किसी मकाम पर उतरे और उसमें ऐसे दरख्त हो जिसमें से खाया हुआ हो, और कोई दरख्त आपको ऐसा मिले जिसमें से कुछ ना खाया गया हो, तो आप कौन से दरख्त से अपने ऊंट को चराएंगे? हज़रत आयशा सिद्दीका की बात सुनिए, आपने फरमाया जिसमें से नहीं चराया गया। उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की मुराद ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे अलावा किसी कुंवारी औरत से निकाह नहीं किया। बुखारी की 1381 नंबर रिवायत है, हज़रत आयशा सिद्दीका ने बहुत ही खूबसूरती के साथ ये बयान किया कि आपकी अज़वाज में से मैं ही कुंवारी हूँ। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं रसूलुल्लाह ने मुझे फरमाया, जाबिर क्या तेरी बीवी है? मैंने कहा जी हाँ। आपने फरमाया बेवा से शादी की या कुंवारी से? मैंने कहा बेवा से। आपने फरमाया किसी नौमर लड़की से शादी क्यों नहीं की? मैंने कहा मेरे वालिद आपके साथ फुलां गजबे में शहीद हो गए थे, उनकी बच्चियां थीं, मैं उनका कफील हूँ, मैंने नापसंद किया कि उनकी तरह की एक लड़की से निकाह कर लूं, मैंने एक बेवा औरत से शादी कर ली ताकि मेरी बहनों की जुएं निकाले, उनकी फटी पुरानी कमीजें सिलाई कर दे। आपने फरमाया तूने बहुत अच्छा सोचा। हदीस के हवाले से हमें यह पता चलता है कि अगरचे कंवारी लड़की से निकाह के हवाले से आप ससुर में बहुत सी ऐसी चीजें सामने रखी कि आप कंवारी से शादी कर लेते, लेकिन राय हज़रत जाबिर की ज्यादा साहिब थी, इसलिए आपने फरमाया ज्यादा अच्छा किया कि अपनी बहनों को आपने संभालना था तो आपको ऐसी औरत की जरूरत थी।